ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सही प्राणस्वरूप दुःखनाशक सुखस्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देवस्वरूप परमात्मा को आमे अंतरात्मारे धारण करिबा सही परमात्मा आमर बुद्धि को सन्मार्गरे प्रेरित करिबे। परम पूज्य सम्मानस्पद सभापति महोदय मात्र प्रतिदि सत्संग स्थल जी स्थायी सभापति जहाँ आद्य उपस्थिति आम सभी अहरह रही अखंडमंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेव परम पूज्या वंदनिया मातृजातिर निरहंकार प्रतिमूर्ति श्री श्री मामणि वर्तमानर संघर प्रधान परम पूजनीय भाईदा पंचाशीन दिव्य चेतनार दिव्य बारिधारासम दिव्यात्मागण तथा ये पवित्र स्थल उपस्थित सकल पुण्यात्मा समस्त उद्देश्य मु सुभज्यति पवित्र भाषण मंच रु जनाऊँचे मो अंतर गभीरतम प्रदेश अनंतकोटि भक्ति प्रणाम। अखंड मंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव अजाचकृषि अखंड ब्रह्म गायत्री मंत्रर साधन सकलर अधिकार यार वार्तावह अखंड मंडलेश्वरंकर अमृतवाणीर कियदंश मु आपण मानंक सम्मुखरे उपस्थापन करिवाकु जाउछि। श्री श्री बाबामणि कहिछन्ति ओंकार हेउछि सर्व मंत्रर समन्वय जगतरे जते मंत्र अछि से सबु मंत्र के एकत्र कले जेउ महाध्वनिर सृष्टि हुए ताहा ही हेउछि ओंकार। सही पाई तो ओंकारर नाम होउछि अखंड मंत्र। एई अखंड मंत्र को जे जप करे जगतर सकल मंत्रर जप तार होई जाए। संसार थिले जंजाल अछि संसार थिले कोलाहल अछि संसार थिले अशांति भी अछि मात्र भगवानंक नामरे जहार परम निर्भर ताको कोनोसी अशांति कोनोसी कोलाहल स्पर्श करि पारे नहीं। एणु भगवानंक नामरे प्रताप रे एई दुखमय संसार भितरे रही मध्य परमानंद लाभ करिवे। एणु भगवानंक नाम ही आम जीवनर एकमात्र पथ प्रदर्शक भगवानंक नाम ही आम जीवनर गुरु भगवानंक नाम ही आम जीवनर पितामाता इह पर जीवनर परम संगी। नाम बलर सकल दैवी संपद तुमर करायत हेब नामर महिमार सबु पाप कालीमार तुम्हें मुक्ति पाइब नामर ज्योति तुमको सुपवित्र करिब नाम तुमको भगवत प्रेम देव एवं कामदग्ध चित्तरे शांति सुधा वर्षण करिब। पुनी श्री श्री बाबामणि कहिछन्ति ब्रह्म गायत्री मंत्र जप करिवार तुमर अधिकार अछि वंशगारिमा कहातरे ब्रह्म साधनार अधिकार अर्पण करे नहीं अंतरर व्याकुलता ही यार अधिकार दाता। गायत्री मंत्र जदि तुम पक्षरे कल्याणकारी ए विश्वास जदि तुमर थाए तेवा वृथा संकोच कर नहीं निजर साधना बल को वर्धित करिबा लागि प्राणपण जत्नवान हो। साधनार शक्ति ही शक्ति साधनार बल थिले 2000 माइल दूर रे थाई मध्य चिंतार अदृश्य क्षमता द्वारा जना परर जीवन को परिवर्तन करा जाई पारे मात्र साधनार बल नथिले 10000 वर्ष पर्यंत एकत्र संग कले मध्य कोनोसी फल होय नै परंतु जता लगे जगत को मुक्त हस्तरे कल्याण वितरण करिछंती जता लक पापी को पाप पंकर उद्धार करिछंती समान प्रत्येक साधना बोले रही ए असाध्य कार्य को साधना करिछंती। समस्या विक्षुब्ध मानव जीवन रे पूरी कोनसी समस्या नहीं जहार समाधान लगे अगणित नर नारी श्री श्री बाबांक शरणापन्न न होइछंती। निमिषक पई दुविधा नहीं द्वंद्व नहीं संशय नहीं समस्तंकर सौ प्रश्नर सुसमाधान संगे संगे मिली अछि। दुर्दांत समालोचक विस्मय स्तब्ध हो फेरी महातार्किक भक्ति प्रण चित्त विदाय नहीं आसी। आज श्री श्री बाबा कोलकाता वाराणसी पुपुनिक विभिन्न साधना केन्द्र स्थापन करफल विशाल विश्वास संयोग स्थापना संभवपर हो पारी आत्मबल समृद्ध ए अजाचक सन्यासी भारतीय नवजागृति नव संस्कृति नव रूपायणर इतिहास को अनन्य साधारण दुईटी महदान करिछंती। शब्द ही शक्ति शब्द ही ब्रह्म से दान करिछंती दुईटी महान शब्द एवं निज जीवन तार परिपूर्ण अनुसरण करी तार दृष्टांत मध्य देखा जाइछंती। से दुईटी शब्द मध्य गोटे शब्द हूँ अखंड एवं अन्यटी हूँ अभिज्ञा। विगत वर्ष मानकर साहित्यिक व दार्शनिक मानकर सृष्टिकला मध्य यही दुईट शब्दर साक्षात्कार थे मिलवा संभव नुहे। अभिज्ञा एक संपूर्ण नूतन सृष्टि श्री श्री बाबा ही यार स्रष्टा पिता और प्रचारक निज जीवन व्यापी अशेष जनसेवामूलक कर्म मध्य सर्वप्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष
मिथ्यावृत्ति को सम्यक रूपे निर्वासित करदे सम्यक रूपे निर्वासित करदे दुश्चर तपस्या रे जनकल्याण साधन दृष्टांत रे सेही होचंत एकमात्र पथ प्रदर्शक आउ मध्य शाक्त शैव सौर गणपति आदि नाना संप्रदायर नाना प्रकार मतवाद्र मध्यस्थल दंडायमान हो कौनसी मत बा कौनसी पथव्रति तेलम्र हिंसा असोया ईर्षा मनोभाव पोषण न कर प्रत्येक खंड खंड मत खंड खंड पथ जे गोटे महत्तम बृहत्तम एवं सर्वलिंगनकारी तत्व में मिलित हो पारे तार प्रमाण स्वरूप से उच्चारण कले अखंड शब्द आज खंडित परिवार खंडित भावधारा खंड विखंडित समाज पर श्री श्री बाबामणि प्रवर्तित अखंड साधना अखंड मंत्र अखंड बाणी जे महत्व कते ता श्री श्री बाबामणि प्रवर्तित अखंड संगीतार प्रति हृदय स्पर्शी बाणी स्पष्ट रूपे प्रतीयमान हुए अखंड मंडलेश्वर श्री श्रीमत् स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव हु इज पॉपुलरली नोन एज श्री श्री बाबामणि was a versatile genius. It will be no exaggeration to say that he was a both a mason and an engineer, a cultivator as well as an agricultural scientist. Simultaneously a painter, a carpenter, a singer, a composer, a philosopher, a yogi, all of the highest order. In no circumstances forget God. Never deviate from religious path. Do not give indulgence to sin. Do not take shelter under weakness. Do not deceive yourself by making false argument. I will be perished. Still, I will not leave the right to achieve manhood. There is no great work like removing the narrowness of human mind. If the mind is simple, noble, and receptive, a man will himself engage in public welfare without any advice from others. The narrow-minded people misuse their keen intelligence to find out plea with a view to rule over others. But the broad-minded people unite with everybody in the world. The country longs for human beings. See one such a being whose erect head will not bend even when thunderstruck, whose indomitable spirit will not ever lose its luster on the face of catastrophic danger, who will never make a compromise with his lofty ideals and living ideology at the altar of physical lust. Etiki kahi mu mor bani ko visram dauchi. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः शान्तिः